हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीत शिक्षा हिंदी पे। दैट्स मी शिवम कुमार, वेलकम टू यू। नमस्कार, मैं हूँ शिवम कुमार और आप सभी का स्वागत है संगीत शिक्षा हिंदी राग ट्यूटोरियल्स में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राग खमाज, जो कि हम गाएंगे फिफ्थ ब्लैक यानी ए शार्प स्केल से। खासकर फीमेल्स और बच्चों के लिए है, तो बिगनर राग है राग खमाज, तो हम इसे बिगनर तरीके से ही गाएंगे, मतलब बेसिक तरीके से गाएंगे। मैं इसमें बंदिश आपको बताऊंगा, परिचय बताऊंगा, स्वर मालिका बताऊंगा बंदिश की, और उसको फिर ताल में गाकर हम तिहाई लगाकर समाप्ति करेंगे। तो बच्चों के लिए है और जो बिगनर्स हैं उनके लिए है, तो हम बिल्कुल इजी तरीके से गाएंगे ताकि आप नोट डाउन भी कर सकें और गा भी सकें साथ ही साथ। तो चलिए शुरू करते हैं राग खमाज। राग खमाज अपने ही थाट की जनित राग है, थोड़ा थोड़ा मैं परिचय बीच बीच में बताता जाऊंगा। साथ ही साथ इसमें आरो में रे को हम वर्जित रखते हैं, और साथ ही साथ इसमें दोनों निषाद का प्रयोग है। कहने का मतलब है कि आरो में शुद्ध नी होता है प्रयोग, और अवरो में कोमल नी का प्रयोग करते हैं। तो आरो में रे वर्जित है, इसीलिए इसकी जाति षाडव संपूर्ण हुई, यानी आरो में 6 स्वर, अवरो में 7 स्वर। दूसरी चीज, इसका गायन समय जो है वो रात्रि का द्वितीय पहर है। इसका वादी स्वर गंधार है और संवादी निषाद है। अब जो निषाद है वो शुद्ध है वादी में। न्यास के स्वर सा गा पा है, और इसकी संप्रकृति राग या निकटवर्ती राग या मिलते जुलते राग में अगर हम बात करें तो इसकी मिलते जुलते राग जो है वो है राग तिलंग। तो ये अपने ही थाट से जनित है, इसीलिए ये आश्रय राग भी है। तो चलिए सबसे पहले आरो अवरो गाते हैं फिफ्थ ब्लैक से। आप मेरे साथ भी गा सकते हैं, बार बार वीडियो देखें तो आपको याद हो जाएगा, आप लिख भी सकते हैं। सबसे पहले आरो अवरो और पकड़ गाएंगे, फिर स्वर मालिका, फिर बंदिश, फिर ताल में गाकर इसकी समाप्ति करेंगे तिहाई के साथ। तो फिफ्थ ब्लैक से सा गा मा पा धा नी सा, अब रो सा नी धा पा मा गा नी सा। तो ये हुआ आरो अवरो। पकड़ नी धा मा पा धा मा गा। तो इसमें जो नी प्रयोग है वो कोमल है। अब इसके बंदिश के मैं आपको बोल पहले बता दूं। अरे मन काहे को सोच करे रे, स्थाई में 2 लाइन है, अंतरे में 2 लाइन है, और 3 ताल में निबद्ध है, और मध्य लय में गाया जाएगा। तो खाली से बंदिश प्रारंभ हो रही है। सो बोल है, अरे मन काहे को सोच करे रे, धीरज काहे ना नेक धरे। ये स्थाई है, स्थाई में 2 लाइन है, अंतरे में भी 2 लाइन है। सोच किए थे होत कहाँ है, अंतरे की पहली लाइन, सोच किए थे होत कहाँ है, काहे व्यथा मन मन ही जरे। तो सबसे पहले हम स्वर मालिका गाएंगे स्थाई की पहली लाइन। सा सा गा गा मा मा पा धा सा सा नी धा मा पा मा गा। सा सा गा गा मा मा पा धा सा सा नी धा मा पा मा गा। ये पहली लाइन हुई। पहली लाइन को हम 2 बार गाते हैं, एक बार फिर से। सा सा गा गा मा मा पा धा सा सा नी धा मा पा मा गा। दूसरी लाइन नी 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 सा सा पा धा सा सा नी धा मा पा मा गा। मैं फिर से देखी दूसरी लाइन नी 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 सा सा पा धा सा सा नी धा मा पा मा गा। सा सा गा गा मा मा पा धा सा सा नी धा मा पा मा गा। तो ये हुई इसकी स्थाई। अब चलते हैं अंतरे की ओर। तो ज्यादा मैं नहीं गाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए अंतरा पहले स्थाई की एक बार लाइन गा लेते हैं। सा सा गा गा मा मा पा धा सा सा नी धा मा पा मा गा। मा मा धा धा नी धा पा धा नी नी सा सा धा नी सा सा। मा मा धा धा नी धा पा धा नी नी सा सा धा नी सा सा। ये हुई अंतरे की पहली लाइन। इसके बाद जो अंतरे की अंतिम लाइन है बिल्कुल स्थाई की अंतिम लाइन जैसी ही है, सेम। तो मा मा धा धा नी धा पा धा नी नी सा सा धा नी सा सा। नी 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 सा सा पा धा सा सा नी धा मा पा मा गा। सा सा गा गा मा मा पा धा सा सा नी धा मा पा मा गा।
तो ये हुई इसकी स्वर मालिका। अब इसके मैं आपको शब्द बताता हूं कि शब्द कैसे सुनाई देंगे जब आप इसको तैयार कर लेंगे। अरे मन काहे को सोच करे रे, अरे मन काहे को सोच करे रे, धीरज काहे ना नेक धरे रे, अरे मन काहे को सोच करे रे। तो ये हुई स्थाई। अब आपको मैं इसका अंतरा सुनाता हूँ। तो स्थाई की पहली लाइन एक बार जरूर गाएंगे। अरे मन काहे को सोच करे रे, अरे मन काहे को सोच करे रे, सोच किए ते मौत कहाँ है, सोच किए ते मौत कहाँ है, प्राण व्यथा मन मन ही जरे रे, अरे मन काहे को सोच करे रे। तो ये हुई इसकी बंदिश कंप्लीट। तिहाई जो लगेगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। अरे मन काहे को सोच करे रे, अरे मन काहे को, अरे मन काहे को, अरे मन काहे को सोच। तो इस तरह से बंदिश पूरी हुई और आप इससे अभ्यास कर सकते हैं, बार बार इसको सुनकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन ताल में निबद्ध है, तिहाई मैंने आपको बता दी। सो आई होप यू विल लाइक इट। सो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड कीप वॉचिंग सेंसेशन दी। टेक केयर, लव यू।